खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गुलेल और लोहे के छर्रे से कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले गुलेल गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वाहनों के शीशे तोड़कर सामान चुराने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को और उनसे चोरी का सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न जगहों से कारों का शीशा तोड़कर चुराए गए 31 लैपटॉप, 28 लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप को खोलकर बेचने के लिए इकट्ठा किए गए उसके कलपुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दीपक उर्फ मनीष दीपक तथा शकील शातिर किस्म के चोर हैं और इनके साथ खड़ा शख्स प्रकाश दुकानदार है, जो इन बदमाशों से चोरी का माल खरीदता है। सूरजपुर पुलिस मुख्यालय आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश बचपन में खेल के इस्तेमाल होने वाले गुलेल को चोरी के लिए इस्तेमाल कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाकर गुलेल साइकिल में इस्तेमाल होने वाले छर्रे की सहायता गाड़ियों का शीशा तोड़ करते थे, फिर गाड़ियों में रखे सामान को लेकर उड़नछू हो जाया करते थे। इनसे ज्यादातर गाड़ियों से शीशा तोड़कर लैपटॉप और गाड़ी में रखे कैश पर अपना हाथ साफ किया जाता था। ये लोग लैपटॉप को चुराकर नेहरू प्लेस में बेच दिया करते थे। इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले एक दुकानदार लैपटॉप की 4 से 5 हजार रुपए में देता था। वैभव कृष्ण एसएसपी ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने एक सूचना पर आधार पर दीपक उर्फ मनीष दीपक तथा शकील नामक 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कृष्ण के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे बैग, लैपटॉप, नकदी आदि चुराते हैं और चोरी का सामान दिल्ली के नेहरू प्लेस में प्रकाश नामक दुकानदार को बेचते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर पर एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके पास से चुराए गए 31 लैपटॉप, 28 लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप को खोलकर बेचने के लिए इकट्ठा किए गए उसके कलपुर्जे, गुलेल व रुपए बरामद किए हैं। ये लोग ग्रेटर नोएडा, नोएडा व दिल्ली में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन लोगों का मोटर सप्रेंडी यही था कि जो मार्केट्स रहते थे या घनी आबादी वाले क्षेत्र रहते थे, जिसमें गाड़ियां खड़ी रहती थी चार पहिया, वहां पे शीशे पे गुलेल से ये पंचे को मार के और उसे तोड़ देते थे शीशे को, और अंदर से वैल्यूएबल्स होते थे वो चुरा लेते थे। लैपटॉप्स को ये मेनली टारगेट करते थे। 4 से 5 लैपटॉप कनेक्ट हो गए हैं और बाकी लैपटॉप्स कनेक्ट करने का अभी प्रोसेस जारी है। वो भी सभी कनेक्ट होके उनके जो संबंधित वादी हैं उन्हें अवगत कराया जाए। गिलोर का आइडिया कैसा है, कुछ बताएं लोगों को? यूट्यूब में बेसिकली इनमें से एक अभियुक्त का कहना है, दीपक नाम का अभियुक्त है, उसका कहना है कि यूट्यूब से उसने पूरा इसकी जानकारी ली कि कैसे गाड़ी के शीशे को तोड़ सकते हैं, और गिलोर से पास में जाके शीशे पे ये जोर से मारते थे जिससे कि वो डूब जाता था और फिर लैपटॉप चोरी करते थे। किस किस इलाके में बेसिकली इनका टारगेट है, मतलब कहाँ कहाँ के बाजार पे ग्रेटर नोएडा? ये देखिए सिटी में भी और देहात में भी इन्होंने एक ही एरिया को टारगेट नहीं किया है, काफ़ी क्षेत्रों को टारगेट किया है। जैसे थाना बिसरक क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी घटनाएं करी हैं, थाना 49 क्षेत्र में, 39 क्षेत्र में भी घटनाएं करी हैं, बीटा 2 क्षेत्र में भी घटनाएं करी हैं। तो पूरे सारे थाना क्षेत्रों के ऐसे एरिया जहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो टारगेट करके घटनाएँ की गई।